Hello friends, my name is Vivek. In this particular video, we are going to talk about the MAR activity points. First of all, thank you very much guys for your love and support on our channel. तब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि most importantly आप लोगों ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे. सबसे पहले आप लोगों का काफी common प्रश्न था कि क्या ये certificate जो है validate है. तो certificates को मैंने personally submit किया है अपने college में. और ये जो सर्टिफिकेट्स है ये ओरिजिनल और AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस के ऊपर से हैं. और ये सर्टिफिकेट से बस इतना ही प्रॉब्लम है कि इसमें certified.em लिखा हुआ है. इससे जो है कोई भी इश्यूज आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे दिमाग के हिसाब से नहीं होने वाले. पर अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है काफ़ी सर्टिफिकेट्स गेन करेंगे, 120-130 प्लस. कैसे आप गेन कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा. उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड चीज, आप लोगों ने काफी इम्फेसिस डाला दैट इज 25 मार पॉइंट्स के ऊपर कि एक साल में तो इतना ही लगता है, ज्यादा गेन करके करेंगे क्या. तो ऐसा मैंने पहले पुराने वीडियोस में कहा है, इसका कोई असर नहीं होने वाला. मैं आपको जो कह रहा हूँ, फाइनल ईयर में गाइज, अब फोर्थ ईयर चलता है तो काफी लोग बिजी होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कॉलेज प्लेसमेंट्स, रिक्रूटिंग, मैंने आपका जो HR की इंटरव्यूज, ये वो काफी चीजें होती है, इंटर्नशिप्स. तो इस दौरान पे क्या है कि कॉलेज आपको मैंडेट नहीं कर पाती. और जो है इसमें आप बहुत सारे कॉलेजेस में आपको NOC दे देते हैं, तो NOC के साथ, नो ऑब्जेक्शंस के साथ आप लोग बाहर रहते हैं. तो इस दौरान पे क्या है कि फाइनल ईयर्स में अगर आप एक्टिविटी पॉइंट्स में ध्यान देंगे तो आप अपने अपने करियर को वेस्ट कर सकते हैं. और ऐसे भी फाइनल ईयर्स में आप सबमिट करें ना करें, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आपका आएगा उसमें 100 मार्क पॉइंट आपके कंप्लीट रहेंगे, आसानी से आ जाएगा. तो काफी ज्यादा जरूरी होता है कि थर्ड ईयर में ही आप अपने 100 मार्क पॉइंट कंप्लीट कर लें. और ऐसे भी गाइस, आप लोग कहूं भी लाइफ टाइम जाएंगे तो कोई आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपने क्या ग्रेड स्कोर किया से कोई नहीं देखने वाला. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके CV में होगा कि फाइनल ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक क्या CGPA मेंटेन आपने किया है, एवरेज CGPA, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा. तो इस दौरान पे क्या है कि माइनर डिग्री मैटर बहुत ज़्यादा करती है. तो इस दौरान पे क्या है कि आप लोग का कोई इशू इसके कारण नहीं आने वाला. तो आप अगर 25 मार्क पॉइंट्स करें या 1000 मार्क पॉइंट्स करें, से आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट्स की. तो गाइस, डेट्स में आप लोग ध्यान रखें, जैसे कि आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में है या सिक्स सेमेस्टर में है, तो सिक्स सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के डेट्स में जितने कॉलेजेस में चल रहे हैं उसी डेट के दौरान ही अगर कोई सर्टिफिकेट गेन किया तो ही वो सेमेस्टर पे जो है ये वैलिड होगा. ऐसा नहीं है जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में एक सर्टिफिकेट गेन किया, उसको आपने इस साल साके सबमिट किया, इसमें आपका जो है सिर्फ लॉस है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. आई होप आपको जो है क्लैरिफाई हुआ होगा ये सारी चीजें. तो पहला प्रश्न था जो है वो क्लैरिफाई किया, मैंने खुद सबमिट किया है. और जो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर होता है आपके सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करने का. सबसे पहले जो है आपका सर्टिफिकेट आपसे अभी नहीं मांगा जा रहा है. कॉलेजेस के मेंटर अगर आपसे मांग रहे हैं तो ये जस्ट वो अपने शौक को मिटाने के लिए मांग रहे हैं. वो आपके सर्टिफिकेट्स को सिर्फ देखेंगे और छूमंतर कर देंगे, उसका उनका कोई काम नहीं है. वो बस अपने ऊपर से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सच्ची में बच्चों के पास है या बच्चे जानबूझकर भर रहे हैं. एक्टिविटी पॉइंट्स का जो आप लोग को वर्ड फाइल दिया गया था हमारी तरफ से या कॉलेज की तरफ से, वहां पर जो है आप अपने लिखेंगे और उसको जो है कॉलेजेस अपलोड कर देंगे आपके बिहाफ में मकाउट को. मकाउट यहाँ पर उसको देखकर आपके वेबसाइट में टैली कर देगी. उसके बाद जो है यहाँ पर जब आपका फाइनल ईयर आएगा तब आपको सारे सर्टिफिकेट्स वहां पर फिजिकली प्रेजेंट करके वहां पर स्कैन करके मकाउट को भेजना पड़ता है. मकाउट के जो एक आदमी है पर्टिकुलर, हर एक कॉलेज के लिए एक आदमी अपॉइंटेड होती है, वो पर्टिकुलर आदमी जो है यहाँ पर चेक करता है आपके सर्टिफिकेट्स आपके मार्क पॉइंट्स के टैली से और उसको टिक मार्क करता है. और इस दौरान से जो है आपके 100 पॉइंट्स आते हैं. तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो 120-130 लाते हैं, बट एक दो सर्टिफिकेट कैंसिल होने की वजह से वहाँ पर जो है 100 मार्क पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों का उससे ज़्यादा ही हो जाता है, कभी किसी किसी का तो 250 हो जाता है. बट गाइस, एट द एंड 250 हो या फिर 100, काम तो सिर्फ 100 का ही है. तो इस दौरान से ऐसे क्लैरिफिकेशन होती है, ऐसी वैलिडेशन होती है. तो ये जो प्रोसीजर था मैंने आप लोगों को समझाया. अब देखिए गाइस, क्या है ना, मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप बहुत ही ज्यादा सयाने हो सकते हैं, बट गाइस कुछ लोग अभी भी बहुत दूर हैं, समझ रहे हैं, मतलब उनको अभी भी स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ती है. तो दे आर स्पून फीडर्स गाइस, तो उनको समझाना नामुमकिन है कि नहीं.
तो उनसे आप जो है उनकी राय कमेंट से ना देखें, आपका काम बनता है या नहीं वो आप जरूर देखें, और इससे जो है आप लोगों को फायदा होगा। दिस इज द लाइफ टाइम एडवाइस फ्रॉम माई साइड, ओके, कि आप लोग हर चीज से कंपेयर ना करें, और सेकेंड ऑफ हर लोगों की ओपिनियंस के हिसाब से आप अपने आप को वैलिडेट ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो अगर कोई भी रिसेंट एक्टिविटी आती है रिलेटेड मार्क पॉइंट्स, स्कॉलरशिप्स, दिस एंड दैट, हम लोग उसको जो है एज फार एज मतलब एज सून एज पॉसिबल गाइस हम लोग जो है उसमें अपडेट कर देते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वो बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है आप लोगों से कनेक्ट होने का, सबसे बेस्ट चीज हम मुझे अभी तक लगा। टिल देन गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय।